शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। तू मेरी जान लेके रहेगा। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हा? तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। You can call me Raju. क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? मुबारक हो चौधरी साहब, मुबारक हो। आओ आओ गोवर्धन आओ। साला कमाल का फिक्स कर दिया आपने उस मिनिस्टर को, हा? अपनी बोतल में उतार दिया। अखा इंडिया का फटाका बनाने का लाइसेंस मिल गया। अब इन फटाकों के आड़ में अपना बारूद हथियार बनेगा। साला अपुन के लिए हर रात दिवाली की रात होगी। ये तो हमारी जगमगाती सल्तनत का एक छोटा सा दिया है गोवर्धन। बहुत सी रंगीन दिवालियां तो अभी हमने मनानी है। आखिर हम सिकंदर के वारिस जो ठहरे। अब हम लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे।
बिल्कुल सफेद पोश के माफिक। कॉमन सेंस की बात है, पीठ पर लगे छींटे खुद को नजर नहीं आते। आज का अखबार पढ़ा? क्यों पीताम्बर, कोई अच्छी खबर है? हाँ, एक और अच्छी खबर है। वो जर्नलिस्ट बलजीत परमार अपनी कलम से हम सबका पर्दाफाश करने पर उतर आया है। लिखता है, गजराज चौधरी मौत का सौदागर है, नशीली दवाइयां, नाजायज हथियार बेचने वाला देशद्रोही है। देशद्रोही? अरे भाई, मैं तो देशभक्त हूँ, किसान हूँ। गेहूं और चावल के साथ साथ चरस और गांजा भी उगाता हूँ, जिसे बेचकर फॉरेन करेंसी लाता हूँ। मैं तो अपनी भारत माता को सोने के पंख लगा रहा हूँ। सच्चा देशभक्त हूँ मैं। कॉमन सेंस की बात है चौधरी साहब, कलम की ताकत को शायद आप नहीं जानते। अपनी पे उतरा है तो तलवार से भी ज्यादा तेज चलती है। बोलो तो, अब भी फिक्स कर देता हूँ साले को। शांत गोवर्धन, शांत। इतनी छोटी सी बात के लिए हमें अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। गजन, करण, तूने कुछ देखा? साहब, बाल्टी लेकर नल पर मैं पानी लेने गया, इधर लफड़ा बढ़ गया, डर के मारे उधर ही छुप गया साहब। हमने कुछ नहीं देखा साहब। तूने कुछ नहीं देखा? नहीं साहब। इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं देखा? मैंने देखा है उसे। पापा, आप क्यों इस मुसीबत में पड़ना चाहते हैं? बेटा, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होगी। एक्सक्यूज मी, तो आप शनाख्त करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। ये जानते हुए भी कि ये लोग बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं? मुझे किसी का डर नहीं इंस्पेक्टर, और फिर आप भी तो हैं। राइट, आप कल पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। आई विल वेट फॉर यू। बेटे, जब तू छोटी बच्ची थी ना, तो तेरी माँ ने एक मेरे खिलाफ गवाही देगा? चांदनी पुलिस स्टेशन के बाहर किसका हुक्म चलता है? मेरी शनाख्त करने से पहले तू अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगा। छोड़ दो।
नो, रोना नहीं बेटा, प्लीज बिल्कुल नहीं रोना, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हाँ, घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, घबराना नहीं बेटा, प्लीज बिल्कुल घबराना नहीं। श्रीनिवास जी, उस गुंडे ने मेरी काजल का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल नहीं कर रखा, बल्कि अब तो घर के आंगन में ही घुसाया है। इससे पहले कि इत्तेजा मेरी नन्ही कली को छुए, इसे बेअसर करना ही होगा। सिद्धांत बाबू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पुलिस स्टेशन में फोन कर देता हूँ, वो उस गुंडे को बुलाकर समझा देंगे। साहब, ले आए उसे। तो तू है, बहुत बुखार चढ़ा है तुझे आशिकी का, दिख रहा है। एक बार ये फिर गया ना तो चमड़ी का रोम रोम भारत माता की जय बोलेगा, समझा क्या? तेरे जैसों का जुग्राफिया मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, चोरी डकैती दंगा फसाद तो करते ही थे, अब शरीफ लड़कियों का पीछा भी करने लगे। मैं लिखता हूं तेरा प्रेम पत्र, क्या नाम है तेरा? करण। बाप का नाम? सांप क्यों सूंघ गया हरामी, बाप का नाम? मालूम नहीं। मां का नाम? मालूम नहीं। कोई हैरानी नहीं, आखिर तेरे जैसों के कितने बाप होंगे, खुद तेरी मां को भी मालूम नहीं होगा। आखिर तू ठहरा कंधे कटर की कंधी पैदाइश। पुलिस पर हाथ उठाया तूने? जो प्यार तो फिर दूर से
इंस्पेक्टर साहब बोलो इस जमानत के ऑर्डर हैं किसका है करण का नाम तुलसी भाई पता कोठा नंबर 57 बेगमपुरा पेशा वैश्या वाह क्या इज्जतदार जमानती है मैंने तो सोचा था उसे छुड़ाने के लिए काले बाजार की कोई बड़ी हस्ती आएगी लेकिन आई है तू ये भी इतिहास में एक नई मिसाल होगी जब एक वैश्या ने अपने कोठे को गिरवी रखकर अपने यार को छुड़वाया लगता है आजकल मोहब्बत सिर्फ तवायफ खानों में ही जिंदा है दुनिया ने तो अपने दिल नफरत से इस कदर भर लिए है कि किसी और शय के टिकने की जगह ही नहीं बची बेचारी मोहब्बत को तो हम तवायफों ने संभाल लिया अब किसके दामन में अंगार है और किसके दामन में मोती ये हम क्या जाने इंस्पेक्टर साहब तेरे इस मोती का तो रोज थानों में आना जाना रहेगा कब तक छुड़वाती रहेगी उसको जब तक मुझ में बिकने की हिम्मत है अच्छा बड़े तेवर हैं तेरे
मेरे साथ गलत सुर मत लगाना। ये जो चमड़ी का धंधा तुम लोगों ने लगा रखा है ना, सब बंद करा दूंगा। इस वर्दी की ताकत तू नहीं जानती। जिस वर्दी पे तुम्हें इतना गुमान है ना इंस्पेक्टर, बेगमपुरा में आना और देख लेना, शाम ढलते ही ऐसी कितनी ही वर्दियां हम तवायफों के कोठों के खूंटियों पे टंगी मिलती है। बकवास बंद कर वरना तुझे भी यही पर टांगूंगा। तो ठीक हाय दया, पुलिस में भर्ती होने से पहले धोबी घाट पे कपड़े टांगने का काम तो नहीं करते थे? सर सर मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये कार्रवाई जल्दी पूरी की जाए तो मेहरबानी होगी। हवलदार साहब, रजिस्टर में एंट्री करो और जाने दो उसे। जान पे रहेगा, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहां से चले आज उम्र भर के लिए। आज यकीन हुआ कि पुलिस के इंसाफ और जुल्म में कोई फर्क नहीं। चलो घर। अरे पुलिस से बड़ा गुंडा कोई है शहर में? यमदूत है मुझे सबके सब। ये भी कोई मर्दानगी हुई? अकेले आदमी को साथ साथ पुलिस वाले मिलके मारे हैं, वो भी हाथ पांव बांध कर। अरे मैं तो कहती हूँ असली मर्द होते तो एक एक करके लड़ते मेरे शेर के साथ, दिख जाता असली मर्द कौन है। पियाजी जाती हूँ, पर क्या करूं इस मुए दिल का, इससे सब कुछ सहा भी तो नहीं जाता। इतनी लहूलुहान तो कभी फसा ना थी, शायद मेरी आंखों में अब जख्म आ गए। काश उनके जुल्म की मुझे खबर होती तो मैं तेरे जिस्म पर अपना जिस्म बिछा देती। ए, ऐसे क्या देख रहा है तू? मेरी जान लेके रहेगा? क्या हो गया तुझे, ऐसा कैसे चलेगा? काम धंधा कुछ है कि नहीं? इस तरह लड़की के लफड़े में पुलिस की मार खा गया। ची, लाना था तेरे पे। अबे इससे तो अच्छा होता कोई कत्ल करता, कोई डाका डालता तो अपन का भी इज्जत का बात था। साला खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा ना। अबे लौंडियों की क्या कमी अपन लोग को, बोल। सारा बेगमपुर छिनालों से भरा हुआ है। इतना ही तेरा दिल आ गया उस लड़की पे तो खुश कर देते हैं तुझको, लेकर आते हैं उसे। छोड़ो हमारा रास्ता। आखिर क्यों हमारे पीछे पड़े हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हाँ, क्यों हमें चैन से जीने नहीं देते? नहीं चाहिए हमें ये घुटन, नहीं चाहिए। तुम ताकतवर हो सकते हो लेकिन इंसान नहीं, तुम तो जानवर हो, जानवर, वैसी जानवर। अगर शराफत की हद पार करके दूसरों की इज्जत रौंद सकते हो तो आज हम भी खौफ की हद तोड़कर तुम्हारी वहशत का सामना करेंगे। ये लो, मिटा लो अपनी गंदी हवस, कर लो हमें रुस्वा, मार डालो हमें। हर पल जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो हमारा मर जाना ही अच्छा है। कम ऑन, किल मी, किल मी।
मिटा लो अपनी गंदी हवस, कर लो हमें रुस्वा, मार डालो हमें। हरामी दारू गिरा दी। सारे मूड का भाजीपाला कर दिया, अब क्या अपनी जेब से पैसे भरेगा? यहाँ क्या करता है? खाना मिलता है। कहाँ रहता है? सड़क पर। बाप? मालूम नहीं। माँ? मालूम नहीं। तेरा नाम? टाइम पास। टाइम पास? सब कहते हैं मेरा नाम टाइम पास है, क्योंकि मैं दूसरों के टाइम पास के लिए पैदा हुआ। ये हाफ टिकट कौन है? टाइम पास, अपना टाइम पास। कहाँ मिला? वही जहाँ हम अपना बचपन खोए थे। ए इधर आ। जाओ। आ बैठ। खाना खाएगा? चलेगा। बिल्कुल अपुन के जैसा ही दिखता है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। पानी ले, पानी पी और पप्पी दे। नहीं दूंगा। क्यों? बात आती है मुझसे। ये साला डेडफुट, पप्पी दे नहीं तो दूंगा एक चमाट। ए गेंडे, मुझे पटरी से मत उतार, अगर मैं उतर गया ना तो उल्टा चलता हूँ, समझा क्या? ए चार आना की मुर्गी, बारह आना का मसाला, तेरी तो वहाँ का मास्टर बहुत कड़क होएगा। करण बाप ने को स्कूल नहीं जमता ना। करण बाप। ए ए ए जल्दी आ रहा है, जल्दी। ए जाने जल्दी आ, ऊपर आ जा, ऊपर ऊपर। हाँ जल्दी आ। करण बाप वो लड़की कितनी मस्त है ना। ये देखो। बसने बहुत भीड़ भाई। काजल। ए मिस्टर। ब्रेक संभाल के मार भाई, बस में बहुत भीड़ है। ये क्या बदतमीजी है? और तक चलाने का कुछ ज्यादा ही शौक है तुम्हें। चल सीधी खड़ी रह। कमीने, छोड़ दे मुझे। बस पुलिस स्टेशन ले। Thank you.
इन्होंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, गुंडागर्दी तो ये लोग कर रहे थे। हाँ हाँ, इन्होंने गुंडागर्दी किसी लड़कियों के साथ में, गिरफ्तार कर लो इन्हें। ये बिल्कुल बेकसूर है, इन्होंने जो कुछ भी किया हमारी इज्जत बचाने के लिए किया है। छोड़ दो इसे। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? वांदा नहीं, मैं तो तुम्हें देखने आया था। तुम्हें हमारी इतनी फिकर की? अब उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? मुझसे दोस्ती करोगी? घोचू, मालूम भी है दोस्ती क्या होती है? मालूम है, जिसको दोस्त बोलो उसको बरोबर दिल में बिठाना चाहिए। और कोई मारा मारी नहीं, ओके? प्रॉमिस? पहले घुमाने लेके चलो, फिर प्रॉमिस। ओके, क्या नाम बताया था तुमने? करण भाई। वो इतनी मारपीट क्यों करते हैं? करण भाई बोले ये शहर नहीं है, जंगल है, जंगल। यहाँ खतरनाक जानवर रहते हैं, अगर हम उनके साथ मारपीट नहीं करेंगे तो वो हमें खा नहीं जाएंगे। उन्हें क्या क्या अच्छा लगता है? दीदी, आप हमेशा करण भाई के बारे में क्यों पूछती हो? क्या तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो? करण अच्छा क्यों नहीं बनता? करण अच्छा ही तो है, अगर अच्छा नहीं होता तो तुम उसका नाम बार बार क्यों लेती? मैं चाहती हूँ वो ये झगड़ा फसाद छोड़ दे, बिल्कुल सुधर जाए। क्या वो सुधर जाएगा? क्या मालूम, कोई बोले तो सुधर भी सकता है। तुम बोलो ना उसको सुधरने को। करण भाई, हैरान हो गए ना हमें यहाँ देखकर? डॉक्टर ने आपको मना किया है क्या? किससे? हंसने से। वैसे हंसना मुस्कुराना कोई बुरी बात नहीं है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? आपका टाइम पास बहुत शरारती है, मगर हमें पसंद आया उसने हमसे दोस्ती जो कर ली है। तुम ऐसे क्यों हो? बस ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? मालूम नहीं। पीछा क्यों किया करते थे? तुम कितनी देर तक मेरे साथ हो? क्यों? मैं इतनी लंबी बात कम वक्त में नहीं बोल सकता। हर चीज कहने का एक सही तरीका होता है करण। देख, मैं तेरी तरह समझदार नहीं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं कुछ मालूम नहीं। एक अजीब सी चीज थी जो मुझे तेरे करीब ले आती और तू डर जाती। लेकिन ये भी ना सोचा हम कितने रुसवा होते। देखो, जिसे इंसान अपना समझे, दोस्त माने, उसे रुसवाई नहीं देते। दोस्ती का मतलब है दूसरों की खुशी, त्याग, बलिदान। दोस्ती तो इबादत है, रुसवाई नहीं। तुम इतनी मारपीट क्यों करते हो? हो जाता है। तुम्हें इस खून खराबे से डर नहीं लगता? इसमें डरने की क्या बात है? हमारा मतलब है, जैसे उस दिन हमारी शिकायत पर, सुना है पुलिस ने तुम्हें बहुत मारा था, बहुत दर्द हुआ होगा ना? नहीं। क्यों? तब तुम्हारा चेहरा जो मेरे सामने था,
चले। बिल प्लीज। सलाम। कोई बात नहीं मैम साहब, ये जगह तो करण भाई की मेहरबानी से चलती है, हम आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं? बहुत इज्जत करता है मेरी। तुम क्या समझते हो, ये लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं? कोई इज्जत बेइज्जत नहीं करते, तुमसे डरते हैं करण, तुम्हें गुंडा समझते हैं, गुंडा। मेरी बात तो सुनो काजल। क्या कहना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो? यही कि तुम कितने ताकतवर हो? पर ये ताकत उम्र भर साथ नहीं देने वाली करण, ये ताकतवर हाथ 100 आदमियों को एक साथ नहीं मार सकते, लेकिन लाखों लोगों को प्रणाम तो कर सकते हैं। हम चाहते हैं तुम्हारी ताकत किसी अच्छे काम आए। मैं तुम्हें बिल्कुल बदला हुआ देखना चाहती हूँ करण। हमें घिन आती है ऐसी जिंदगी से जो जुर्म और गुनाह से सनी हुई हो। छोड़ दो ये सब, हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए वादा करो करण, तुम ये सब छोड़ दोगे, वादा करो। ए जोर लगा के, ए जोर लगा के, आयशा खोल दे बोतल, आयशा फोड़ दे धोती, आयशा नहीं हटेगा, आयशा ए कर दे पंचर, अब हटेगा। अरे भाई ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। सिर्फ शक्ल ही नहीं चौधरी साहब, इसके इरादे भी बदल गए हैं। ये कहता है अब हमारे साथ काम नहीं करेगा। क्यों भाई, क्या बात है करण? अगर कोई पैसे की बात, पैसों की बात नहीं है चौधरी साहब, बस मन से उठ गया इन सब चीजों से। इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूं, अपना घर बसाना चाहता हूं। ये तो और भी खुशी की बात है, धूमधाम से शादी करो, घर बसाओ, और सुनो, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। चौधरी साहब अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल गया मुझे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कॉमन सेंस की बात है, अगर यूं खिलाड़ी मैदान छोड़ने लगे तो कैसे चलेगा ये खेल? पक्का तीन ही खराब भाई साला, साला ऐसा तो अपना धंधा फिक्स हो जाएगा। शांत गोवर्धन शांत, ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं, बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि समाज में इनके लिए कोई जगह नहीं है, वापस इनको कीचड़ में ही रेंग रेंग कर जीना है। जानते हो करण, आज हमारा जन्मदिन है। अच्छा, हमने सोचा आज भगवान से आशीर्वाद लेते वक्त तुम भी हमारे साथ रहो, और फिर हम लोग यहाँ वापस आएंगे जब तुम्हारा जन्मदिन होगा। कब है तुम्हारा जन्मदिन? मालूम नहीं। ओह, तो समझ लो आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। कैसे? करण, नए रिश्ते नई जिंदगी को जन्म देते हैं। देखो ना सब कुछ कैसे बदल गया। हम चाहते हैं तुम्हारा हर कदम सच्चाई और नेकी की राह पर चले। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। देह शिवा वर मोहे एहे, शुभ कर्मन से कभू न डरू, न टरू अरसाऊ जब जाए लरू, निश्चय कर अपनी जीत करू। क्या हुआ करण? कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, तुमने भी मेरे लिए इतना... क्योंकि तुम मेरे अपने हो, हम भी तो तुमसे प्यार करते हैं। मुझे छोड़ के मत जाना काजल, मैं जी नहीं पाऊंगा।
हम तुम्हें बिखरने नहीं देंगे, वादा करते हैं। दिल है दीवाना मेरा आ, 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 ये अदा ये नजर ये मुस्कुराना तेरा शोखिया प्यार की दिल है दीवाना मेरा रंग है रूप है ख्वाबों की बारात है और क्या चाहिए जन्नत मेरे साथ है यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा अरे 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 अब एक पल भी तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा हाँ यारा ओ यारा क्या तुझे है पता मेरे लिए तू बनी हो मैं तेरा आत्मा तू है मेरी चांदनी क्या तुझे है पता मेरे लिए तू बनी जिंदगी बन गई तू जो मुझे मिल गई धूप की आग में नाजुक कली खिल गई मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा
तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा। ये लो। अब इसकी जरूरत नहीं यार। तुझे इसी की जरूरत है। ट्याऊ। ए ए हीरो, ए चल रुक, चल थोड़ा काजल लगा दू कहीं नजर ना लग जाए। तू मुझे काजल लगाएगा? ये ले। क्या बावा, भाभी के नाम से अभी से करण लगने लग क्या? कहीं शादी के बाद तीस की तरह मत उड़ जाना। भाभी से मिलने जा रहा है चिकने, एक पप्पी तो दे दे लवली। करण भाई, ये टपोरी लोग तुमको दीदी के नाम से सताते हैं। दम्बूक लाओ क्या? ये। नहीं टाइम पास, इन हाथों ने अब इतनी बड़ी खुशी को छू लिया है, इन्हें बारूद से क्यों गंदा करना। अब हमारी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आएगा, कोई तूफान नहीं आएगा। यस। यू। आई एम राजदास सहाय, सन ऑफ मिस्टर रमाकांत सहाय। यू कैन कॉल मी राजू। दे देना झटका। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अगर मुझे मालूम होता कि मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे पे हजार वोट की मुस्कान फैल जाती तो मैं कब का आ चुका होता। बहुत झटके देना सीखकर आए हैं आप। हे, तुम तो दरवाजे भी फ्रीज हो गई और मैं तुम्हारी खातिर सात समुंदर पार करके आया हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? ओह गॉड, कम इन। पापा, देखो कौन आए हैं। कौन है बेटा? हाय अंकल। अरे राजू माय सन। अरे अरे अरे, ठंड पड़ गई। कुछ कर दिया बेटा, लेकिन ना कोई खबर ना कोई फोन आने की। अंकल अगर खबर कर देता तो यूं गले मिलकर आपके सीने में ठंड कैसी पड़ती। तुझे देखकर लगता है कि रमा मेरे सामने खड़ा है। आया नहीं वो? हमेशा की तरह लास्ट मोमेंट पर उनकी मीटिंग निकल आई। शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा डैड मैं नहीं रुकूंगा, एक बार तेज हवा बाहर का रुख ले लेती तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। राइट काजल? राइट। वैसे मैंने इंडियन मेहमान नवाजी के बारे में काफी सुना है। अच्छा? कुछ ठंडा कुछ गर्म। इट्स ओके, जिंदगी पड़ी है। राइट अंकल? तुम लोग बातें करो, मैं अभी आया। ओके अंकल। राजू बैठिए ना। काजल, तुम्हारे घर को देखकर ऐसा लगता है कि अपने बंगले का भी काम काफी फैंटास्टिक हुआ होगा। कोशिश की है, शायद आपको पसंद आए। तुम्हारी हर पसंद को मैं अपनी पसंद बना लूंगा, तुम देखती तो जाओ। हमने तो हमेशा आपको तस्वीरों में ही बड़े होते हुए देखा है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि आप इतने बातूनी भी होंगे। और मैंने तुम्हें अपने ख्यालों में जवान होते हुए देखा है, लेकिन मैं जानता था कि तुम इतनी खूबसूरत होगी। ओह, आपसे बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। 10 नहीं 11 बार। बेटा, रमा की फ्लाइट का टाइम क्या है? अंकल उसमें बहुत टाइम है, पहले तो अपने बंगले की शॉपिंग करेंगे काजल की पसंद से, उसके बाद किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे काजल की पसंद से, उसके बाद कोई नाच गाने से भरपूर हिंदी पिक्चर देखेंगे वो भी काजल की पसंद से, और फिर उसके बाद हम डैड को रिसीव करने एयरपोर्ट जाएंगे। क्यों? काजल की पसंद से। लेकिन इस बीच मुझे कॉलेज छोड़ना मत भूलना। अंकल ये काम तो मैं सबसे पहले करने वाला हूँ। काजल नहीं, मेरी पसंद से। क्यों, चलिए ना। Hey, कोई फ्रेंड है क्या? नहीं तो कोई नहीं। अंकल की फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलो ना। ओके। एक्सक्यूज मी,
Will you tell me the time, please? That. Siddhant. Rama. कैसे हो यार? आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए. सिद्धांत, मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गया. नमस्ते अंकल. काजल? सिद्धांत? अपनी बेटी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगती है. थैंक यू. तुझे याद है जब तू बच्ची थी तो सारा सारा दिन तितलियों के पीछे भागती थी, याद है तुझे? डैड, आज के तितलियों के पीछे नहीं, आज के लिए मुझे अपने आगे पीछे भगा रही है. वेलकम बैक टू इंडिया मिस्टर सहाय. थैंक यू पीतांबर, थैंक यू. गोवर्धन, क्या हाल है? एकदम फिक्स रमा भाई. वो चौधरी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं. आई सी. राजू, तुम अंकल और काजल के साथ घर चलो, मैं भाई साहब से मिलकर आता हूँ. राइट डैड. एक्सक्यूज मी, लेट्स गो जेंटलमैन. भाई साहब. अरे रमाकांत. भाई साहब. हाउ आर यू रमा? अरे तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, एज हैंडसम एज एवर. जैसे 25 साल पहले थे जब तुम मेरी बहन को ब्याह के ले गए थे. भाई साहब, आप भी तो नहीं बदले, आज भी चेहरे पे वही चमक है. रियली? अब तो दुगनी हो गई साहेब बाबू. कॉमन सेंस की बात है, आप जो आ गए. बेशक, इसके एनआरआई बनकर लौट आने से हमारी सारी काली दौलत मोतियों सी सफेद बनकर जो वापस लौट आई है. वो भी टैक्स फ्री. हाँ, यस यस, ऑफ कोर्स. इसलिए मैं अपना सारा बिजनेस समेट कर हिंदुस्तान आया हूँ, इस मुल्क में सबसे बड़ा शिपिंग कॉर्पोरेशन खोलने. वाह, क्या फिक्स किया है? हा? अब कश्ती में नहीं, जहाजों में अपना माल भर भर कर आएगा. कॉमन सेंस की बात है गोवर्धन. समुद्र में मगरमच्छ उतरा है तो छोटी मछलियां खुद ब खुद किनारे लग जाती हैं. गुड गुड गुड. आओ बैठो. रमा, मैंने तय कर लिया है कि हमारी शिपिंग कॉरपोरेशन का सरमाएदार होगा राजनाथ सहाय, मेरा भांजा राजू. बराबर फिक्स किया आपने चौधरी साहब. कॉमन सेंस की बात है, अब कल की बागडोर नई जनरेशन को ही संभालनी चाहिए. आप सबने मेरे दिल की बात सुन ली. बस राजू का एक सपना है जिसे मैं बहुत जल्द साकार कर दूंगा. यस. चीयर्स. चीयर्स. 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419. अरे बैठना ठीक तरह से, उतरा क्यों है? अच्छा अच्छा बैठता हूँ. अरे तेरे वजन को क्या हो गया? वो पानी पी लिया था ना, इसलिए. नाराज हो हमसे? सच्ची? कहाँ थी कल, आई क्यों नहीं? एक दिन नहीं मिली तो इतना गुस्सा, कल को कोई दूसरा हमें ब्याह ले गया तो? काट के रख दूंगा उसे और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, लेकिन तुझे अपने आप से अलग होने नहीं दूंगा. इतना प्यार करते हो हमसे? हाँ बहुत प्यार करता हूँ तुझसे. अगर मैंने कुछ पाया तो तुझे, तेरे प्यार को. तू समझ रही है ना, अगर तू नहीं मिली तो यहाँ बहुत दुखता है. क्यों दुखता है? हाँ क्यों दुखता है? कुछ ना कहो, कुछ ना कहो. याद है कि राजू की माँ और मेरी भाभी ने दोनों बच्चों के लिए कुछ सपने देखे थे. Come on, Dad, आप बात को लंबा क्यों कर रहे हैं? Come to the point. मेरे पास ये पगला मगर इकलौता बेटा है जिसे अकलमंद बनाने के लिए मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही. Good joke. बस एक ही रास्ता है, अगर राजू की शादी हम अपनी काजल से कर दें. दोस्ती के नाम पर इस घर की महक से अपने यार का घर महका दे. यार तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली. हाय राजू. हाय काजल. लगता है ये दोनों दोस्त मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं. खिचड़ी तो पक चुकी है, अब सिर्फ खाना बाकी है.
नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी। बच्ची, रमा ने तुझे अपनी बेटी बना लिया है। मैं तो अंकल की बेटी हुई है ना अंकल? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। नहीं, लेकिन आज बेटी के साथ साथ तुझे अपनी बहू बनाने का भी फैसला किया है। काजल मेरी बेटी पहले और बहू बाद में। काजल कहाँ चली बेटा? अरे भाई शर्मा गई। यही शर्म, हया, बड़ों का मान, अपने इन्हीं संस्कारों के लिए मैं तरस गया था। काजल बेटी के साथ साथ एक बहुत बड़ी मर्यादा मेरे घर आएगी। बस सिद्धांत, अब शादी की तैयारी हो जाए। डैड, अंकल, कल ही काजल और मैं कंप्यूटर से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। 2-in-1, यानी मंगनी और शादी दोनों साथ साथ। एनी प्रॉब्लम्स? नॉट एट ऑल। मैं जरा काजल से पूछ के आता हूँ। अकेले में मिलने का अच्छा बहाना है। अच्छा, अपने दिन भूल गया? तेजी ना झटका। कल मुहूर्त निकलवाने चलना है। हमारी शादी भी एक यादगार होगी, प्यार करने वालों के लिए एक मिसाल। ए, तुम रो रही हो? समझा, तुम इंडियन लड़कियां भी बड़ी कमाल होती हो। बात चाहे विदाई की हो या प्यार के इंतहा की, तुम अपनी खूबसूरत आंखों में आंसू भरकर दूसरों की नींद उड़ा लेती हो। ए, डोंट क्राई। ए, कहीं कुछ और बात तो नहीं है ना? वैसे ही बुद्धूराम तुम्हें कैसा लगा? मैं सुधर जाऊंगा। शादी के बाद मैं एकदम पत्नी व्रता इंडियन पति बन जाऊंगा। आई स्वेयर। खुशी के मौके पर रोते नहीं। ए, तुम्हारी एक चीज सुला ले जा रहा हूं। तुम्हारे सपने जॉब मेरे हैं। आई लव यू। खुश हो रही है तुम? तू जो आ गया है पहचाना ही नहीं जाता, बिल्कुल बदल गया है। मेरी तो पूरी दुनिया बदल गई है। सच? हाँ, सोचा तुझे मिलकर सब कुछ बता दूँ। शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल तो समझा। कैसे हुआ ये जादू? मुझे मोहब्बत हो गई है तुलसी। चेहरे पे इतना नूर तुम्हारे, आंखों में इतना प्यार, ऐसा लगा मिलकर जैसे आज मिले हम पहली बार। तुलसी, सोचता हूं मैंने मोहब्बत पहले क्यों नहीं की। इतना वक्त ऐसे ही गुजार दिया। दिल करता है कि दुनिया की सारी खुशियां अपनी मोहब्बत को लाकर दे दूं, सब कुछ लुटा दूं उस पर, अपनी जान भी। बस अब और सबर नहीं होता। एक बार अपनी जबान से उसका नाम ले ले। एक बार काजल, बहुत खूबसूरत है वो। काजल मिल गई, सब कुछ मिल गया। मैं उसे शादी करूंगा। मैं जानता हूं मेरी शादी की खुशी में तू बहुत नाचेगी। नाचेगी ना? हाँ, नाचूंगी, जरूर नाचूंगी। अच्छा तुलसी, मैं चलता हूं। मेरी मोहब्बत के लिए दुआ करना। मोहब्बत के नाटकों के लिए तो ये कोठे हमेशा ही बदनाम रहे हैं। आज कोई हमसे ही नाटक खेल गया। उसे दोष मत दो पिया जी, वो तो मेरे हाथों में फूल रख रहा था।
मेरी किस्मत थी जो मुठिया खोली डोंगार निकले। मत रो तुलसी, मत रो तुलसी, मत रो। अरे अगर तवायफों के आंसू में असर होता तो ये कोठे कब के बह गए होते। तुलसी मैं क्यों रोने लगी भला? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि काजल की जगह आंखों के अंदर होती है और तुलसी की घर के बाहर। मैं बहुत खुश हूं पिया जी, करण की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है। मेरे आंसू देखकर अगर लौट गई तो इन कोठों की लाज ही डूब जाएगी। मैं बहुत खुश हूं पिया जी। संभाल मुझे, अपने आप को संभाल पिया जी। मरने से पहले एक बार काजल को जरूर देखना चाहूंगी। कहा जाता है आज तक सिर्फ तवायफों ने लोगों के घर लूटे हैं। ये कौन सी शरीफजादी है जिसने एक तवायफ की दुनिया ही लूट ली? देखा काजल, दोस्ती और शराफत की ऐसी मिसाल कहां मिलेगी? आजकल के जमाने में तो कहीं नहीं। इतना दौलतमंद होने के बाद भी रमा वो वादा नहीं भूला जो राजू की माँ ने तुम्हारी माँ से किया था। पापा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप हमारी बात इत्मीनान से सुनिए, ठंडे दिमाग से। हाँ हाँ, बोलो बेटा। हम किसी और से प्यार करते हैं पापा। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? इतना बड़ा राज तुमने मुझसे छुपा कर रखा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं रमा को वचन दे चुका हूँ। वचन में तो हम भी बन चुके हैं पापा, कभी न टूटने वाला बंधन। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर वो है कौन? आप उसे जानते हैं, उसका नाम करण है। कौन करण? आपने उसे देखा भी है पापा, वही करण जो एक दिन मौत का साया बनकर हमारे सर पर मंडराता था। आज हम उसी का हाथ थामकर जिंदगी की राह पर चलने की कसम खा चुके हैं। तुम होश में तो हो? जानती भी हो क्या कह रही हो? तुम उससे प्यार? पागल हो गई तुम? पापा प्लीज हमारी बात तो सुनिए। तुम क्या बताना चाहती हो कि समाज में उसकी क्या जगह है? वो शराफत के माथे पर एक कलंक, दूसरों को बेइज्जत करने वाला एक जंगली जानवर, जहर से भरा एक जहरीला सांप, एक मुजरिम। वो मुजरिम नहीं रहा पापा, बुराई छोड़ चुका है। उसने ये सब हमारे लिए किया है, हमारे प्यार के लिए। हमने उसे नई जिंदगी दी है। गटर के गंदे पानी में अगर पूजा के फूल मिला दो तो वो गंगा जल नहीं बन जाता। गटर का गंदा पानी गंगा में मिलकर गंगा जल ही बन जाता है पापा। करण पश्चाताप की आग में जलकर कुंदन बन चुका है। दुनिया के जुल्म और नफरत ने उसे अंधेरों में गिरा दिया था, हमारी मोहब्बत वापस उसे रोशनी में ले आई है। नहीं, ये नामुमकिन है। जीते जी मैं तुम्हें उस आग में नहीं कूदने दूंगा। आज के बाद तुम उसे नहीं मिलोगी। बट आई लव हिम पापा, आई लव हिम। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? हाँ, हमें कैसे जीना है, किससे प्यार करना है, इसका फैसला करने का अधिकार सिर्फ हमारा है। हम करण के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तुम मौत को गले लगाना चाहती हो? छोड़ दो उसे। हम सब कुछ छोड़ देंगे, ये घर, ये दुनिया, ये जिंदगी, लेकिन करण को नहीं। तुम ऐसा कर सकती हो क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हें अब मेरी कोई जरूरत नहीं। जाओ, मैंने तुझे हर रिश्ते से आजाद किया। इस बंधन से विदाई के बाद तुझे हर वो अधिकार दिया जो तेरे बाप के चेहरे पर काली पोतने वाले करण को खुश कर सके। हर वो अधिकार जिससे तू अपने गुरु, अपने बाप, अपने हर 15 मिनट में इनका बीपी चेक करती रहना। यस डॉक्टर।
तुम बोर्ड पे जाके देखो काजल, इट वॉज अ मेजर हार्ट अटैक बट वी आर लकी कि हम उन्हें बचाने में कामयाब हो गए। बट यू डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, तुम जाके उनसे मिल सकती हो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपके बिना जी नहीं सकते। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तो आप हैं। आप जो चाहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ही हमसे रूठ गए तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे पापा, कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पापा, पापा हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। अजल, काजल बेटी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वाह यार, अच्छा समझी है, शादी की तैयारी करने के बजाय यहाँ आराम फरमा रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? राइट डैड, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा अंकल। फाइल लागू अंकल, अभी तो आपको मेरी शादी में भांगड़ा डालना है। क्यों काजल, कब ले क्या हूं बारात? क्या हुआ? हाँ? दीदी ना, क्या हुआ? उसकी शादी है ना। काजल, तुम क्यों आए हो यहां? बेटी से बहुत प्यार करता हूं, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझसे शादी करके बहुत खुश रहेगी बाबूजी, बहुत खुश रहेगी। खुश रहेगी, तेरे साथ, एक मुजरिम के साथ। अब मैं मुजरिम नहीं रहा बाबूजी, मैंने सबको छोड़ दिया है। काजल ने मुझसे सबको छुड़ा दिया, उसी ने मुझे ये नई जिंदगी दी। काजल, तुम ही बताओ ना बाबूजी को कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। चले जाओ यहां से। क्या? हम कहते हैं चले जाओ यहां से, दोबारा यहां कभी नहीं आना। गो अवे। मत सताओ हमें, आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है? रिश्ता विश्ता मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। आई सेड लीव मी। मत भूलो कि मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू बनने जा रही हूं, हमारी शादी हो रही है उस लड़के से जिसे हमारे पिता ने चुना है, हमने चुना है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो? काजल, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती।
हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है बेटी, मैं तेरा घर हमेशा हंसता बसता देखना चाहता हूं। बेटी, राजू को कभी भी मेरा विश्वास कीजिए पापा, मेरा गुजरा हुआ कल, मेरे आज और मेरे आने वाले कल को कभी नहीं छू पाएगा। मैं पत्नी धर्म की हर मर्यादा को निभाऊंगी। झूठ कहते हैं लोग कि बेटी के पैदा होते ही बाप के कंधे झुक जाते हैं, तो जैसी बेटी को पाकर मेरा सर गर्व से ऊंचा उठ गया। जा, खुश खुश जा और खुशियां बांटते हुए वापस आ। Hi, honey. Hi. 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 And meet my wife. Oh, she's Kajal. Kajal. Oh, she's Kajal. Yes, she's Kajal. She's beautiful. Yeah. Very cute. Lovely girl. She's quite nice. My wife, my love, जिसका मैंने सालों तक इंतजार किया। ये माइक मुझ पे हंसता था, कहता था कोई लड़की किसी का सालों तक इंतजार नहीं कर सकती। You're wrong, my friend. She's my wife who waited for me for 10 years. I'm on my honeymoon, guys. I gotta go. So you gotta go when you gotta go, right? Go, baby. ये लोग मुझे कैसे जानते हैं? अरे सच्ची मोहब्बत का गुलाल है, उड़ेगा तो पूरी दुनिया में फैलेगा ही ना। क्यों? आओ काजल, ये है मेरी मामा। जब मैं बहुत छोटा सा था ना, ये मुझे छोड़ के चली गई। दिन की रोशनी में भी इस घर में अंधेरा छाया रहता, और इस अंधेरे में एक अकेला सहमा हुआ बच्चा
जिससे ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता, और वो चीखता, मामा वापस आ जा, मामा वापस आ जा। तब उस अंधेरे में रोशनी की किरण बोलती, बेटा काजल को इस घर में जरूर लाना, वो तेरी जिंदगी में खुशियों की बाहर बनकर इस घर में आएगी। मैं अपने खाली दिन में तुम्हारी तस्वीर सजाकर इंतजार करने लगा। ये इंतजार मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी का आलम बन गया, और आज तुम इस घर में, ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी को मायने मिल गए, मेरी खुशियां फिर से आबाद हो गई। नहीं नहीं रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उम्र का इतना लंबा अरसा हमने एक दूसरे के इंतजार में बिता दिया, अब बाकी का हिस्सा इस मोहब्बत के लंबे सफर में बिताना है। हाँ, आज के बाद हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, यहां से भी नहीं। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो, कि कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम निगाहों में हो, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो, कि कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम निगाहों में हो। अब सोचने की इजाजत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो, कि कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तुम्ही तुम निगाहों में हो। ऐसा जादू
क्या किया। बेताबी से धड़के हैं जिया, सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। प्यार करने से फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। कि तुम मेरी बाहों में हो। फैंटास्टिक भाई साहब, मैंने राजू को इतना खुश कभी नहीं देखा है। अरे इससे भी ज्यादा खुशी तो तुम्हें उस दिन होगी रमा, जब हमारा राजू हमारे कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाएगा। मगर भाई साहब, जिस दिन राजू को हमारे कारोबार की सच्चाई का पता चलेगा। नहीं नहीं, नहीं, क्या नहीं, होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा रमा, आखिर वो हमारा खून है। जो रास्ता हमने उसके लिए चुना है उससे पीछे वो कभी नहीं हटेगा। You're right, मामा जी, दे दिया ना झटका। तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे बेटा। भाई अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तो तुमने संभाल ली, अब हमारे कारोबार की बागडोर भी तुम्हारे हाथ सौंप रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। डोंट वरी मामा जी, राजू हर काम इंतहा की हद तक करता है, मोहब्बत की तो इंतहा तक, और अब बिजनेस भी संभालूंगा तो एकदम मोहब्बत की तरह। शरारती कहीं का। वेलकम बेटे। फैंटास्टिक, आज के बाद तुम इस ऑफिस से अपने फैसले और हुक्म जारी करोगे। इट्स ऑल योर्स, कम अलोंग बेटे।
अरे बैठो बेटे। कैसा लग रहा हूं डैड? ये कुर्सी, ये फैक्ट्रियां तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि उस तरक्की की तरफ उठा पहला कदम, जहां एक बहुत बड़ा एम्पायर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डोंट वरी डैड, मैं बहुत मेहनत करूंगा, उस एम्पायर को बहुत जल्द हासिल करके उसे इतना ताकतवर बनाऊंगा जिससे मैं सारी दुनिया जीत सकूं। बस मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। आई लव यू काजल। आई लव यू काजल, आई लव यू। ए हेलो सोना, अरे कुछ तो बोलो। आई लव यू। कुछ तो बोलो। ए हेलो, देखो अगर तुमने मेरा जवाब नहीं दिया तो मैं कह दूंगा कि आई हेट यू। बट आई लव यू। दे दिया ना झटका। ए लेकिन तुम चुप क्यों थी? ऐसे ही आपकी जुबान से अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्या कर रहे थे जनाब? तुम्हें देख रहा था, तुमसे प्यार कर रहा था। धर, बेशरम कहीं की। सब तेरी मोहब्बत है। Hey, what is this? तुमको कितनी बार कहा है कि ऑरेंज कलर की साड़ी के साथ रेड कलर का नेल पॉलिश नहीं लगाते? लाइट ब्राउन लगाया करो यार। राजू, तुम्हें ये सब कैसे पता? सब तेरी मोहब्बत है। और तुम्हारी मोहब्बत हमें ऐसे लगता है जैसे हजारों बिजलियां हमारे अंदर कौन गई हो। हम रोशन हुए आपके अंदर जस्ट होते जाते हैं। हमारी धड़कनें, हमारी सांसें आपसे कुछ कहना चाहती हैं। आप कुछ मत कहो, बस सुनते जाओ, सुनते जाओ। इस दीवानगी में पागल हुए हम आपसे इतना प्यार करना चाहते हैं, इतना प्यार करना चाहते हैं। तो कर लो ना, बंदा हाजिर है। राजू तुम यहाँ? दे दिया ना झटका। काजल ये सिर्फ तेरी मोहब्बत है। सांसों का चलना दिल का मचलना, सांसों का चलना दिल का मचलना, जिसकी बदौलत है तेरी मोहब्बत है, हो तेरी मोहब्बत है। सांसों का चलना दिल का मचलना, सांसों का चलना दिल का मचलना, जिसकी बदौलत है तेरी मोहब्बत है, तेरी मोहब्बत है। ख्वाबों में आना आके सताना, ख्वाबों में आना आके सताना, जिसकी शरारत है तेरी मोहब्बत है, ओ तेरी मोहब्बत है। ये खुशबू, ये आंखें, ये चेहरा तो लग
गिराना दामन में आना, केसों गिराना दामन में आना, किसकी इनायत है तेरी मोहब्बत है, हो तेरी मोहब्बत है। चलना दिल का मचलना, सांसों का चलना दिल का मचलना, जिसकी बदौलत है तेरी मोहब्बत है, हो तेरी मोहब्बत है। अरे मैं चाबी अंदर भूल गया, अभी लेके आया। टाइम पास, इधर आ। कैसा है रे तू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? और करण भाई का नहीं पूछोगी? क्या पूछो, शायद जिंदगी ने यह हक मुझसे छीन लिया है। दे देना झटका, क्या सोच रही हो, तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? कुछ नहीं, चले। ऑफ कोर्स, द नाइट इज स्टिल यंग, लेट्स पेंट द टाउन रेड, लेट्स गो। Thank you.
तुम शायद भूल रहे हो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। आज मुझे आपको अपना बाप कहते हुए शर्म आती है मिस्टर रमाकांत सहाय। तुम्हें शर्म आने लगी है मुझे अपना बाप कहने में, क्योंकि मैं गैर कानूनी काम, ड्रग्स, हथियार, मौत का व्यापार करता हूँ। देशद्रोही हूँ मैं, हाँ मैं हूँ, देशद्रोही हूँ मैं, देशद्रोही हूँ मैं। अब राज खुली गया है तो सुन, हमारी दुनिया दौलत और मौत का वो चक्रव्यूह है जिसमें एक बार दाखिल हो जाओ तो कोई वापसी नहीं, समझे? तुम इस दुनिया में दाखिल हो चुके हो मिस्टर राजनाथ सहाय। अब कैसी तबीयत है काजल की? घबराने की कोई बात नहीं है राज, ऐसी हालत में अक्सर ऐसा होता है। क्या मतलब? माँ बनने वाली है, ख्याल रखा कीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ। दे दीना झटका, अगर आज तुम बेहोश नहीं होती तो इतनी बड़ी बात का मुझे पता नहीं चलता। हाँ, अगर आज हम बेहोश न होते तो इतनी बड़ी बात हमें भी ना पता चलती। मां बनकर पूरी औरत बन गई हो, पहलियां भी बुझाने लगी हो, हाँ? बस इसी चीज की कमी थी। अब देखना, मैं कोई कमी रहने नहीं दूंगा। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे सब कुछ दे दूंगा, अपनी हर कीमती शय। नहीं, क्या क्या देना चाहते हैं आप? जुर्म और कतल से कमाई हुई ये दौलत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें वो कमाई जिसके पैसे पैसे में से बेगुनाह इंसानों का लहू टपक रहा हो। काजल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब मुझसे अनजाने में हुआ है। अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों की जान लेने में आप हिस्सेदार तो बने, और आपके साथ साथ हम भी इस पाप में शामिल हो गए। इस महल की छत के नीचे रहती रही, जिसके हर एक ईंट के नीचे ग्लास दबी हुई है, इस मुर्दा घर में गूंज रही चीखों से हमारा दम घुटता है। दम, आखिर हमारा कसूर क्या है? कसूर ना मेरा है ना तेरा, कसूर हमारे दामन का है, जिसमें फूल भी गिरे तो कांटे बन गए। मैंने कुछ नहीं किया काजल, कुछ नहीं किया मैंने। अरे आपने तो हमारे जीने का मकसद ही छुटला दिया राजू, मां बनने से पहले ही हमारे दूध में जहर घोल दिया, हंसने हंसाने की बातें करते करते हमें इतना रुला दिया कि आंसुओं के सैलाब में हमारे प्यार का आशियाना ही बह गया। और ये हमारी कोख में पल रही इस नन्ही सी जान को हम ऐसी दुनिया देंगे जिसमें पलकर वो एक देशद्रोही दरिंदा बनेगा, और हम होंगे उस दरिंदे की बदनसीब माँ। एक दिन लाशों के ढेर पर बैठे हुए हम अपने बच्चे के शरीर पर गोलियां उतरते देखेंगे। अगर जुर्म की दुनिया का अंजाम ऐसी ही दर्दनाक मौत है तो इसे जिंदगी देने का क्या फायदा? नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए हमें ये बच्चा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं काजल, नहीं, नहीं काजल, बस करो काजल, बस करो, नहीं चाहिए, नहीं काजल, नहीं, बस करो काजल, मैं छोड़ दूँगा ये दुनिया, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। मैं अपने बच्चे को उसकी विरासत में वो नहीं दूंगा जो मुझे मेरे बाप ने दिया है। उसकी विरासत में होंगे तेरे सपने, उसकी विरासत में होंगे मेरे सपने, जो हम दोनों ने मिलकर संजोए। मैं वादा करता हूं काजल, मैं वादा करता हूं हमारा बच्चा इस जुर्म की दुनिया में नहीं पैदा होगा। हमारा बच्चा
इस जुर्म की दुनिया में आंखें नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा आंखें। तुम भी कमाल करते हो रमाकांत। 4 महीने हो गए राजू को घर छोड़े हुए और तुम मुझे आज बता रहे हो। कॉमन सेंस की बात है चौधरी साहब, राजू के सिर्फ एक सिग्नेचर ना होने की वजह से हमारा करोड़ों का माल बीच समंदर अटका है। जल्दी नहीं निकाला, सोना मिट्टी होते देर नहीं लगेगी। ऐसा हो गया तो हमारा सारा धंधा फिक्स हो जाएगा, है ना पीताम्बर भाई? रहता कहाँ है वो, अपने ससुराल के यहाँ? नहीं, एक बस्ती में किराए का मकान है। क्या, हमारा वारिस एक मामूली सी बस्ती में रहता है? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शादी ब्याह करो तो अपने बराबर के घर में, यहीं पर गलती कर गए तुम। मैं क्या करूं भाई साहब, वो तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। गजन, राजू से कहो हमसे आकर मिले। राजू, लगता है कि हमसे तुम कुछ नाराज हो। देखो बेटा, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, और फिर आजकल के जमाने में ये असूल, आदर्श, ईमानदारी की बातें, ये सब इंसान को कमजोर बनाती हैं। तुम तो समझदार हो, तुम्हारा एक छोटा सा घर है, एक नेक पत्नी है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। मैं भी तुम्हारी मामी से बहुत प्यार करता था, आज उसी का श्राद्ध है। जब तुम्हारी मामी का स्वर्गवास हुआ तो उसकी कोख में मेरा वारिस था। अगर वो होता तो आज तुम्हारी उम्र का होता। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी मामी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था। वो मेरे कारोबार के रास्ते में आने लगी थी। मैं नहीं चाहता कि कल फिर से वो एक्सीडेंट हो। तुम ये बस 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 बस, अगर एक लफ्ज और कहा तो इसी हवन कुंड में मैं तेरा अंतिम संस्कार कर दूंगा। गजराज चौधरी, ध्यान से सुन, मेरा और मेरे परिवार का तेरी इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। कॉमन सेंस की बात है, आज जो खून अपने खून के लिए पानी हो सकता है, कल हम सबके लिए जहर भी बन सकता है। इतने सालों की मेहनत से बनाई हुई सल्तनत को क्या आप मलबे का ढेर बनता हुआ देखना चाहेंगे? Hey!
कारण काजल मैं जा रहा हूँ। राजू जाना मत, हम आ रहे हैं। ओहो काजल, I'm getting late यार। एक मिनट प्लीज। ओहो क्या बात है, अरे अरे ये क्या कर रही हो? आज करवा चौथ। ओहो अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे कम ऑन यार, आफ्टर ऑल आई एम पत्नी व्रता हस्बैंड यार। हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं होता। तुम हिंदुस्तानी औरतें भी बड़ी अजीब होती हो। अच्छे वाले आदमी को भगवान बना देती है। एक औरत के लिए उसका सुहाग ही भगवान होता है ना? ए, अपने इस भगवान को भोग नहीं लगाओगी? हम्म? क्यों? तो हम ही लगा देते हैं। क्या क्या? मगर सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा मिस्टर। ओह यू मीन गिफ्ट? No problem, sure, sure. अभी लाया, यू गया, यू आया। ए काजल, तुम भी क्या याद करोगी किस गरीब से पाला पड़ा है? हाँ, हाँ? देखते तो मेरी आंखें ही पतरा गई थी। मैं तो तेरे दीदार के लिए ही जिंदा थी शायद। अब इन बाहों में मेरा दम भी निकल जाए ना तो कोई परवाह नहीं। ए, ऐसे क्या दिख रहा है? हो गया, कीमत ली है तूने। तो तू उसे नहीं मारेगा? ठीक है, तू नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा। Get him!
ये मर चुके हैं। छोड़ सबको मार दूंगा। अगर काजल की जिंदगी के दौरान किसी ने देखा तो समझो वो मर गया। ये अच्छा नहीं किया, ये करण ने अच्छा नहीं किया पीताम्बर। हमारे हथियार ने हमारे ही आदमी को मार डाला, ये उसने अच्छा नहीं किया। वो क्या समझता है हमारे खिलाफ उसकी ये बगावत राजू की जिंदगी बचा पाएगी? नहीं, वो तो जरूर मरेगा। और जो कोई भी राजू और उसकी मौत के बीच में आए उसे भी उड़ा दो। राजू ये ले ले। ये रख लो। आज का जाम उस कमबख्त के नाम जो हमारे बहुत मना करने के बावजूद भी हमें छोड़ गया। चीयर्स। क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? मौत, मौत चाहता है तू? तेरे सारे कुत्तों को मैंने मार दिया मगर वो राजू को कुछ नहीं कर सके। वो जिंदा है। तेरा कोई भी बारूद कोई भी हथियार उसे मार नहीं सकता। आज के बाद तेरी हर सांस के पीछे मैं मौत बनकर खड़ा हूं। यही बताएगा कहाँ है वो हरामी। कहाँ है? कहाँ है? कौन सा तेरी बेरी के बेर तोड़ लिए? तोड़ फोड़ करने यहाँ चला आया? अभी तोड़ता हूँ तेरे हाथ पैर को। तू बड़ा खुश नसीब है इंस्पेक्टर कि तूने पियाजी पे हाथ भी उठाया तो उसके छत के नीचे। अगर यही बदतमीजी तूने बाजार में की होती ना
तो हिजड़ा अपनी औकात पे आकर तेरी खोखली मर्दानगी के छक्के छुड़ा देता। मुखिया जी, इंस्पेक्टर। आइए आइए। इस मंडली में आप ही की कमी थी। तेरा जिसके साथ टांका भिड़ा है वो तो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझता है। सरे बाजार 12 लोगों का काफी कर दिया, वो तो पकड़ा जाएगा और तू उसे छुड़ाने भी आएगी, लेकिन इस बार अपने साथ 4 आदमियों को लेकर आना उसकी लाश को कंधा देने के लिए, समझे? इंस्पेक्टर, अपनी ताकत के गुरूर में ऐसी कोई हरकत मत कर बैठना कि बाद में तुझे पछताना पड़े। इसे नसीहत नहीं, मेरा मशवरा समझना, क्योंकि 100 कुत्ते मिलकर भी खुले शेर का शिकार नहीं कर सकते। ले जाओ सालों को। अब क्या हुआ? वहां उधर छत पर कोई भी तो नहीं? खामखा डर रही हो, मुझे भी डरा रही हो। नहीं राजू, अभी अभी कोई बात है, हमें बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत खतरा है, तुम्हें भी, हमें भी और इसे भी। हम ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। ये शहर छोड़ दें, फिर ये मुल्क छोड़ दें, और फिर ये दुनिया। काजल, खतरों से डर के भागने वालों के कदमों तले तो ये जमीन भी अपने हाथ नहीं रखती, और अगर वाकई में कोई खतरा है तो मैं इसी घर को अपना मोर्चा बनाऊंगा तुम्हारे लिए, अपने लिए। अपने होने वाले इस बच्चे के लिए। ये जंग मैंने नहीं मांगी थी काजल, मैंने तो कभी पलट के उनकी तरफ देखा भी नहीं। इस जंग की शुरुआत उन्होंने की है, लेकिन अब अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। क्यों करण भाई, आखिर इतनी सारी गोलियां, कहीं अखा शहर उड़ाने का इरादा तो नहीं? करण, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, तेरी जान को बहुत खतरा है रे। मैं तकदीर चली कहां छुपाऊं तुझे, जहां तू महफूज रह सके। पुलिस आई थी, तेरे दोस्तों को पकड़ कर ले गई। वो इंस्पेक्टर पागल कुत्ते की तरह तुझे ढूंढ रहा है, कह रहा था तूने सरेआम कई लोगों का कत्ल किया है। वो तुझे जान से मार डालने की धमकी देकर गया है। ये गजराज की चाल है, मुझे हटाकर उन मासूमों की जान लेना चाहता है। करण, क्यों उस रास्ते पर चलते हो जहां मौत बिछी है? मैं मौत को वहीं रोक दूंगा ताकि उनकी जिंदगी को कोई छू ना सके। तुम भी सच्चे, हम भी सच्चे, इस इश्क में सच का रोना है। लेकिन आज मैं रोऊंगी नहीं, मैं तुझे रोकूंगी भी नहीं। आज तुलसी दुआ करेगी कि इस जंग में जीत तेरी हो, जा फिर अरब राखा। Thank you.
खत्म कर दे इसे। नहीं होगा तुम्हारे राजू को। जब तक मैं जिंदा हूं तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। करण, हमें माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं वहां देर से पहुंचा, वरना गजराज के आदमी राजू को छू भी नहीं पाते। कितने गलत थे हम, आज तक हम यही समझते रहे कि तुम हमारे सुहाग को उजाड़ना चाहते हो, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि तुम हमेशा अपनी जान को खतरे में डालकर हमारे सुहाग को बचाते रहे, हम उसे ही दुश्मन समझते रहे जो हमारे लिए मसीहा था। हम मानते हैं हमने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, लेकिन उस वक्त हम ऐसे दो राहे पर खड़े थे जहां हमें अपने पापा की जिंदगी और तुम्हारे प्यार में से किसी एक को चुनना था। पिता की जिंदगी को बचाना हमारा फर्ज था, हमने उसे अपना धर्म समझकर निभाया, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता टूट गया। हमारे बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ, वो गुजरा हुआ कल था। मुझे तो आज एहसास हुआ है कि मैं जिंदा क्यों हूं। राजू, ए, दीदी ना झटका। शुक्र है भगवान का आपको होश आ गया। शुक्रिया दोस्त, आज तुम्हारी वजह से काजल मेरे साथ है। थैंक यू।
ये क्या जख्म? लगता तुम्हें जख्मों की आदत सी हो गई है, लेकिन अगर जख्म पुराना हो जाए तो नासूर बन जाता है। चौधरी साहब, चौधरी साहब, सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ? और तुम्हारा भांजा राजू, हम सब को फिक्स कर गया। डॉक्स का सारा माल फूंक दिया साले ने। आग से खेलने का बहुत शौक है ना उन्हें। अब देखना, जो आग उन्होंने लगाई है उसी आग में आज मैं उनकी चिताएं जलाऊंगा। नहीं भाई साहब, भाई साहब राजू को माफ कर दीजिए। वो आखिर वो हमारा हमारा बच्चा है और उसने जो भी गलती की होगी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। गजराज चौधरी के असूलों की किताब में ऐसी गलती की सजा मौत है, सिर्फ मौत। डेस्टिनी, तकदीर, किस्मत कुछ नहीं, शतरंज की बिसात है और हम सब सिर्फ मोरे। कमाल का खिलाड़ी ऊपर वाला, उसके एक इशारे से रिश्ते बनते हैं, बनके टूटते हैं और हम सब बिखर जाते हैं। सिर्फ एक चीज है जो हम सबसे जोड़े रखती है, वो है मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। दोस्त, अगर इस दुनिया में मोहब्बत ना होती तो कुछ भी ना होता। मुझे आज पता चला है कि तुम मुझे क्यों बचाते रहे। राजा, जिस दिन से मैंने इसके गले में मंगलसूत्र डाला है इसने उसे धर्म मान के निभाया है। पत्नी बनकर यह सिर्फ एक हिंदुस्तानी औरत ही कर सकती है। मैं तुम दोनों की अतीत की इज्जत करता हूं। इस छोटी सी दुनिया में तुम बहुत बड़ा दिल रखते हो दोस्त, ये सब तो कोई एक देवता ही कर सकता है। पत्थरों की इस दुनिया में देवता बनना तो बहुत आसान है, इंसान बनना बहुत मुश्किल। तुम एक नेक इंसान हो राजू। काजल, अगर हमारे यहां बेटा हुआ ना तो हम उसका नाम करण रखेंगे। हे, तुम रो क्यों रही हो? अगर तकदीर हमारी दुश्मन हुई तो क्या हुआ, हम तो एक दूसरे के दोस्त हैं, हम संभालेंगे एक दूसरे को। देखा ना, भूल गई, आज तुम्हारा जन्मदिन है। काजल, आज रोने का नहीं, हंसने का दिन है। ए आंसू, मेरी काजल को रुलाना नहीं। अगर तुझे इस घर में आना ही है तो खुशी का हाथ थाम के आना, वरना नो एंट्री फॉर यू, समझे?
कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। Oh!
आज भी हमारे साथ है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहे धरती पे चाहे जहां भी रहे।